तो वेक्टर का जो रिजोल्यूशन में सिखा रहा था उसका मोटा मोटा फिजिक्स में जहां जरूरत पड़ेगी वैसे बनेंगे कि जिस लाइन के साथ आपको एंगल दिया हुआ है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा होता है। जैसे एक समझाने के लिए बता रहा हूं, सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए और इस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा। तो अगर इस लाइन के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो ए साइन थीटा के बराबर आएगा। जिस भी लाइन के साथ एंगल दिया होता है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कर रहा हूं, एक सवाल छोटा सा बता रहा हूं, सवाल बवाल नहीं है, ये बस आपको कैसे कंपोनेंट करते हैं ये सिखा रहा हूं मैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है इधर, इधर वाई एक्सिस है, ये 5 यूनिट का एक वेक्टर है और ये एंगल है 37 डिग्री। अब अगर मुझे इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो वेक्टर ए होगा एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट भाई मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स मान लो है ये, तो एक इधर कंपोनेंट आएगा एक इधर आएगा। ये जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट ये बराबर हो जाएगा 5 cos 37। cos 37 बच्चा बच्चा जानता है 4/5 होता है, ठीक है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। ए वाई जो है ये 5 sin 37 होगा, तो ये जाएगा 5 × 3/5 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ax ay आ गया। तो अब अगर आप वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 4i cap + 3j cap इस तरह से। तो किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज करो एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के हिसाब से कैसे वेक्टर करते हैं, क्योंकि वेक्टर का रिजोल्यूशन जो है यही काम का है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया कि यही 5 यूनिट का वेक्टर ऐसे दिया है और इस बार ये वाला एंगल है 37 डिग्री। कोई सवाल नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं रिजॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे इस वेक्टर को, तो ये देखो वेक्टर इस तरह है, तो इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाला जो जिस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा होता है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ना इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 5 cos 37। 5 cos 37 हो जाएगा 4 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 sin 37, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 3। लेकिन अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि ये चूंकि वेक्टर ऐसे दिया हुआ था ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर हमने आई कैप लिया था तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा -4i cap + 3j cap, ये हो जाएगा इस बार वेक्टर है। मतलब ये भी आपको देखना है ना, जैसे आई कैप और जे कैप में आप जब लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये वेक्टर है इधर, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और मतलब एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एक इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोनेंट कर सकते हैं। चलो एक और छोटा सा सवाल नहीं है, मैं आपको कंपोनेंट कैसे करते हैं ये बताता हूं मैं। सपोज करें इस टाइप से है, यही वेक्टर है 5 यूनिट का, ये वाला एंगल है 37 डिग्री। इस बार क्या होगा इसका, ये 5 यूनिट का है तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये 5 है और ये 5 cos 37 हो गया, ये 5 sin 37 हो गया, तो 5 cos 37 जो होगा 5 cos 37, तो ये जाएगा 5 cos 37 यानी 4। तो इस डायरेक्शन में 4 होगा जो गया -4j cap। इस डायरेक्शन में 5 sin 37 आएगा तो 3 आ जाएगा, तो -3i cap, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब आई और जे में उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और चलो सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये सवाल अक्सर आता है, ब्लॉक का मास एम है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, राइट डाउन राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन। इसका जो भी वेट होगा
ब्लॉक का जो भी वेट होगा उसका इस इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट दिखाएगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक का वेट देखूं तो इस ब्लॉक का वेट कितना आता है, इस ब्लॉक का वेट जो है वो mg होता है। धरती जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसी को वेट कहते हैं हम लोग। तो जैसे ये mg लग गया, अब आप देखिए ये एंगल थीटा था तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब मुझे mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन बोला इन्होंने। तो ये mg है और इस लाइन के साथ जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन उस लाइन के साथ इसका एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो mg का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा और एक इधर जो आएगा ये mg cos थीटा के बराबर भी आ जाएगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। इसीलिए पहाड़ पे चढ़ने में आपको दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो जितना बड़ा थीटा होगा mg sin थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए उतना ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट mg sin थीटा के बराबर होता है। तो देखें, जरा ध्यान से देखें, तो ये मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं f1 और f2 और इनको हमने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन ये बन रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है यानी दोनों को जोड़ना है, तो अगर हमें दोनों को जोड़ना है तो वेक्टर एफ जो होगा इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू। वेक्टर एफ वन है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर एफ टू था 4i कैप प्लस 3j कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7i कैप प्लस 7j कैप। ये वेक्टर f की वैल्यू आ जाएगी 7i कैप प्लस 7j कैप। तो f का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये 7i कैप प्लस 7j कैप, तो ये कितना हो जाएगा 7√2 के बराबर हो जाएगा। कैसे अंडर रूट 7 माने जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7√2 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन में निकालना चाहूं tan थीटा का फॉर्मूला याद करो आप, tan थीटा का फॉर्मूला था ay अपॉन ax, ay है 7 ax भी 7 है तो 7/7। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा 1 आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 7√2 के बराबर आ जाएगा और जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, पांच हो, पचास हो, अगर उनको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका ये है कि सबको आई वाला कंपोनेंट आई से जोड़ दो, जे वाला जे से जोड़ दो, के वाला के से जोड़ दो और वो सब आपस में जोड़ करके आप उनका जो रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कुछ सवाल करेंगे रेजोल्यूशन के। रिजोल्व करने के और भी तरह तरह के सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि वेक्टर एफ वन जो है ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर एफ टू है वेक्टर एफ टू की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। सॉरी, ये यहां पर 5 के बजाय यहां z1 है और वेक्टर ये तो f2 आ गया, वेक्टर एफ थ्री जो आ रहा है वो आ रहा है
एक्स वन आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स दिए, पहला है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड वन के कैप, दूसरा है फोर आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस थ्री के कैप, और चौथा है एक्स वन आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप, ऐसा दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री ऑफ द थ्री फोर्सेज इज जीरो, रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेज इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेज इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन। तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू बताओ। ठीक है, दो मिनट का पॉज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर मेरे साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये तीन फोर्सेस थे एफ वन एफ टू एफ थ्री, इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। तो अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं वेक्टर एफ तीनों का लिखना चाह रहा हूं, तो जब मैं रिजल्टेंट लिखता हूं तो इन तीनों को आपस में ऐड करूंगा मैं, वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री, इन तीनों को ऐड करूंगा। ऐड करने का नियम क्या है, मैंने बताया था कि आई वाले सारे आई से जुड़ जाते हैं, जे वाले जे से, के वाले के से। तो आई वाला मैं देखूंगा तो थ्री यहां पर है, फोर यहां पर है, एक्स वन यहां पर है, तो थ्री प्लस फोर प्लस सेवन, थ्री प्लस फोर प्लस एक्स वन, तो जाएगा सेवन प्लस एक्स वन आई कैप। अब यहां पर देखें तो वाई वाले में ये टू है, ये वाई वन है और ये सिक्स है, तो ये जाएगा एट प्लस वाई वन जे कैप। और अगर जेड वाले में देखें तो ये जेड वन है, ये थ्री है और ये माइनस टू है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड वन इधर है उधर थ्री इधर माइनस टू, तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो ये जाएगा जेड वन प्लस वन के कैप, ये हो जाएगा। और इन्होंने ये बताया है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इनका तीनों का जोड़ जीरो है, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो नेट जीरो आना चाहिए। अब अगर नेट जीरो, किसी भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर है वो नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर है तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे, जैसे ये तीनों जो कंपोनेंट होंगे ना एक्स वाई जेड कंपोनेंट, वो भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर खुद ही जीरो है। तो इसका मतलब सेवन प्लस एक्स वन जीरो आ गया, एक्स वन आ जाएगा माइनस सेवन। इसी तरह से एट प्लस वाई वन जीरो आ गया, एट प्लस वाई वन जीरो आ गया, तो वाई वन कितना आ जाएगा माइनस एट। इसी तरह से जेड वन प्लस वन जीरो आ गया, तो जेड वन कितना हो जाएगा माइनस वन। तो अगर तीन वेक्टर्स हैं और तीनों का रिजल्टेंट जीरो, तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो उनके तीनों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट्स हम बोलते हैं, वो भी जीरो हो जाएंगे। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो एक्स वाले सारे एक साथ, थ्री और फोर और एक्स वन, तो सेवन प्लस एक्स वन हो गया ही। वाई वाले सारे एक साथ, टू प्लस वाई वन प्लस सिक्स, तो एट प्लस वाई वन, ये हो गया। और जेड वाले सारे साथ, जेड वन प्लस थ्री माइनस टू, तो जेड वन प्लस थ्री माइनस टू, तो ये जेड वन प्लस वन हो गया। अब ये जीरो के बराबर आ रहा है, तो तीनों कंपोनेंट भी इसके जीरो हो जाएंगे, तीनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो यहां से एक्स वन वाई वन और जेड वन की वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं आसानी से। अभी हम देखने जा रहे हैं कि वेक्टर को हम लोग थ्री डी में कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, थ्री डायमेंशन में अगर हमें रिजोल्यूशन करना हो तो किस तरह से करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया था कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन ले लिए एक्स और वाई में रिजोल्यूशन। अब मैं आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रिजोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में मैं आपको रिजोल्व करना जब सिखाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले समझाने के लिए एक क्यूबॉइड बना रहा हूं। इस क्यूबॉइड की मदद से आप 3D में रिजोल्यूशन सीख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो डायरेक्शन है, ये ध्यान से देखिएगा, इसको मैं x मान लेता हूं, ये जो डायरेक्शन है इसको मैं वाई मान लेता हूं, और ये जो डायरेक्शन इसको मैं जेड मान लेता हूं। एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, और ये इस पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूं, इसको ए बोल दे रहा हूं, इसको बी, इसको सी, इसको पी, क्यू, आर, एस। क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं सोचो, छह फेसेस होते हैं। क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं।
कितने किनारे होते हैं, 8 किनारे होते हैं, मतलब कोई भी क्यूब अगर होगा तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टी से। खैर मैं मान ले रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूं वेक्टर ओ आर, और इसी को मैं वेक्टर ए भी बोल दे रहा हूं। ओ से आर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है इसको मैं वेक्टर ओ आर बोल रहा हूं। देखिए ओ से आर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मैं इसे बना रहा हूं, ये वेक्टर है ओ आर, ये जो वेक्टर ओ आर है इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया। अब मान लीजिए कि मुझे ओ आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ओ से अगर आर पहुंचना है तो ओ से आर अगर मुझे पहुंचना है तो पहले मैं ओ से ए जाऊंगा। मान लो मुझे यहां से यहां पहुंचना है, मुझे उड़ना नहीं आता है, ठीक है, एक तो होता है उड़ के सीधे पहुंच गए, एक ही होता है कि पहले मैं ओ से ए जाऊंगा, मतलब इस एज के सहारे जाऊंगा, फिर मैं ओ से ए जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा ए से बी जाऊंगा इस किनारे के सहारे, और फिर मैं बी से आर चला जाऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओ से ए जो है, ओ से ए इसको मैं बोल सकता हूं जैसे इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट हो गए, तो ये वाला जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाला वाई डायरेक्शन में हो गया, ये जेड डायरेक्शन में हो गया। तो वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, उसे ए गया फिर ए से बी गया फिर बी से आर गया प्लस वेक्टर बी आर, ये बोल सकता हूं मैं। अच्छा ओ ए जो वेक्टर होगा अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स मानू तो वेक्टर ओ ए की जगह मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, और अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई मानू, मैंने वाई डायरेक्शन में मुझे इतना चलना पड़ा, तो वेक्टर ए बी को मैं अगर मैग्नीट्यूड ए वाई है तो इसको ए वाई जे कैप बोल सकता हूं, और जेड डायरेक्शन में मान लीजिए कि मुझे ए जेड चलना पड़ा, जेड कंपोनेंट इसका ए जेड है, तो ये हो जाएगा ए जेड के कैप। तो वेक्टर ए को इस तरह से माना जा सकता है। तो अगर मुझे मान लीजिए कि जाना है, ठीक है, वैसे तो ये कमरा आपको नहीं दिख रहा है सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए एक रूम है और इस रूम में मुझे यहां से यहां जाना है, उड़ना नहीं आता मुझे, बस दीवारों के सारे सारे जा सकता हूं, तो मैं यहां से यहां डायरेक्ट जाऊंगा, माने एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा, मान लिया ए एक्स चल गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, जमीन से जमीन यहां गया, फिर मान लिया मैंने ए वाई चल गया, और फिर उसके बाद मैं इस दीवार के वर्टिकल वॉल के सारे ऐसे चढ़ता चला जाता हूं, मान लो तो ये बी से आर चला गया मैं, तो ये वाला ए जेड हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए जेड होगा, वाई ये वाई डायरेक्शन देखो ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए वाई होगा, और एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स होगा। तो वेक्टर ए को हम ए एक्स ए वाई ए जेड लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एक खास बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। सपोज करें यहां पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूं अल्फा जो है, ये जो भी गिवन वेक्टर है, मान लेते हैं जो वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल है, तो अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, अल्फा जो है वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल है, जो वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है, और बीटा जो है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस है, और यहीं पर मैं एक टर्म और डिफाइन करूंगा गामा, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड जेड एक्सिस। मतलब अल्फा जो है एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है, बीटा वाई एक्सिस से बनने वाला है, वेक्टर ए बना रहा है, और गामा जो है वो जेड एक्सिस से बनने वाला है। तो अब ये जो वेक्टर ए था अगर मुझे एक्स तो एक्स डायरेक्शन से एंगल इसका जो बन रहा है अल्फा बन रहा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है इसको मैं ए कॉस अल्फा बोल सकता हूं। भाई जो वेक्टर था वो ए था और एक्स किसी जिस लाइन के साथ एंगल दिया होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मैंने सिखा रखा है आपको, ए कॉस अल्फा होता है। मतलब तो यहां पर x एक्सिस से एंगल अल्फा दिया था ना, तो इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a cos अल्फा, और y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा a cos बीटा, और z डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a cos गामा। x y z तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर हमें निकालना है तो ax ay az हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें अगर मैं ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की वैल्यू लिखूं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा।
अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो गया। अब जरा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की वैल्यू में लिखने जा रहा हूं, इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पर आप इस बात को समझने में, वैसे तो सीधे हम वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन इसको समझेंगे तो थ्री डी में लिखना आपके लिए आसान होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे मैं ऐसा करता हूं, ओ से बी को ज्वाइन कर देता हूं, ओ से ये जो ओ है इससे मैं बी को ज्वाइन करने जा रहा हूं, ओ से मैंने बी को ज्वाइन किया। थोड़ा आप ध्यान से मेरी बात अगर सुनेंगे तो ओबी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और बी आर जो है ये वर्टिकल है, तो यानी ओबी और बी आर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ओबी जमीन पे है, ओबी जमीन पर है और बी आर दीवार पर है, तो ओबी हॉरिजॉन्टल हो गया, ओबी इस तरह से हो गया, बी आर ऐसे हो गया, तो ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है ओबी और बी आर, तो मैं तो यहां पर हम पाइथागोरस के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, पाइथागोरस के हिसाब से चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ आर जो है इसको मैंने ए बोला है, ओ से आर तक की डिस्टेंस जो है उसको मैंने ए बोला है। अच्छा, ओबी स्क्वायर क्या होगा जरा ध्यान से देखें। अब ये एक ओ ए बी सी ये एक रेक्टेंगल है और ओबी उसका एक डायगनल है, रेक्टेंगल ओ ए बी सी का डायगनल है ओबी। तो अब ध्यान से देखेंगे तो डायगनल है और ये रेक्टेंगल है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओबी स्क्वायर जो है, ओबी स्क्वायर जो आएगा वो बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ओ ए जो है वो एक्स कंपोनेंट है और ओ आर जो है वो ए है, तो ओ आर की जगह मैं ए लिख दूंगा, ओ ए की जगह मैं ए एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ओ ए बी की जगह मैं ए वाई स्क्वायर लिख दूंगा और बी आर की जगह मैं ए जेड स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक, तो जैसे अब अगर आप देखें तो एक इक्वेशन ये अपने पास आया था, ये एक दूसरा रिजल्ट आ रहा है। दूसरा रिजल्ट ये है कि ए स्क्वायर जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये जो रिजल्ट है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसको मैं यहां पुट करूंगा तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो रिजल्ट आया ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसको मैं यहां पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और अपने पास जो रिजल्ट बनेगा, जो कि आपको याद करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये भी एक रिजल्ट है। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है इसको डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाना जाता है। डायरेक्शन के कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो जैसे हमने रेजोल्यूशन देखा, तो अब इसके अंदर कुछ सवाल रेजोल्यूशन से जुड़े हुए बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस से जुड़े हुए। एक इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लिया जाए कि वेक्टर ए जो है ये है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए। तो अब अगर मुझे वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर ए जो होता है वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। वैसे पहले बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी वेक्टर होगा उसमें दो चीजें होंगी, डायरेक्शन और वैल्यू। तो ये मॉड ए जो है उसकी वैल्यू बता रहा है और ये ए कैप उसका, तो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाए, वैल्यू भी आ रही डायरेक्शन भी आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए कैप जो आएगा ये बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ए कैप जो आएगा वो आएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर ए जो है ये किसके बराबर दिया है? टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, ये वेक्टर ए दिया है। और वेक्टर बी जो है, सॉरी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का रूल होता है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है? टू। ए वाई की वैल्यू है माइनस वन और ए जेड की वैल्यू है टू। तो ये कितना हो जाएगा?
अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो a का मैग्नीट्यूड होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो आएगा वो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यानी कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आप जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, कुछ और सवाल? जैसे ये दिया हुआ है आपका वेक्टर a जो है ये है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b जो है वो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए हैं। अब इसके अंदर सवाल जो बन रहा है वो ये है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दो मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा वेक्टर पता लगाइए जिसका डायरेक्शन तो ए का हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बी का हो। मतलब एक ऐसा वेक्टर आपको बनाना है जो दोनों का मिक्स हो, जिसका डायरेक्शन ए का डायरेक्शन हो और जो जिसका मैग्नीट्यूड है जो हो बी का डायरेक्शन हो। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व अगर हम करेंगे तो जो भी नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर को मान लीजिए मैं सी बोल देता हूं। तो अब इस वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इसका डायरेक्शन ए का है और मैग्नीट्यूड बी का है। तो अब मैग्नीट्यूड बी का है तो मैं यहां मॉड बी ऐसे लिख देता हूं, और डायरेक्शन इसका सी का है तो डायरेक्शन इसका ए का है तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है और वैल्यू ये हो गई। तो जो जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ए का है तो डायरेक्शन तो अच्छा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से दिया जाता है तो मैंने डायरेक्शन में ए कैप कर दिया और मैग्नीट्यूड इन्होंने बी का बोला है तो बी का मैग्नीट्यूड कर दिया। थोड़ा ध्यान से देखें बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड 5 आ गया और ए कैप की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं ए कैप देखूं तो ए कैप जो आएगा वो आएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए यानी ए का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का रूट 3 ये आ जाएगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया और डायरेक्शन इसका हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर और बाकी सारी चीजें हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं।